दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब मंथन के दौर में है, मंथन के मोड में। लगातार ये खबरें चल रही हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ भीतरघात किया उन लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है। पहला नंबर पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के विधायकों का, पार्टी के सांसदों का, पार्टी के नेताओं का। सांसदों में वो मान लें कि जिनका टिकट कट गया था, तो उन सभी पर मंथन का दौर चल रहा है। लगातार सूचियां बन रही हैं, चाहे वो मनोहर लाल हैं, चाहे नायब सिंह सैनी हैं, सुभाष बराला हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी थे। सभी नेता कह रहे हैं कि उन लोगों का छांटा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है वो लोग कौन कौन थे, किन किन लोगों ने पार्टी के साथ में भीतरघात किया या दगा किया। और एक चीज और देखी जा रही है दोस्तों, एक चीज और कि पार्टी के कौन से पदाधिकारी, कौन से बड़े पदाधिकारी ऐसे हैं कि जिनकी जनता में से नहीं है, ये बात भी देखी जा रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव तो हो गया, चुनाव का परिणाम 4 तारीख को आ जाएगा। जनता ने किसको मत दिया, जनता ने किसको चुना, भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में रही, कांग्रेस ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया, ये सब कुछ सामने आ जाएगा 4 जून को। अगर मैं इसे यूं कह दूं कि देसी कहावत है कि नाई रे नाई बाल कितने जजमान, सब सामने आ जाएंगे, तो 4 जून को सब पता चल जाएगा किसमें कितना दम था। आंकड़े सब लगा रहे हैं, 4 जून तक सब जीत रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट भी और बीजेपी के कैंडिडेट भी, सबको हक है। लेकिन 4 जून को सामने आ जाएगा कि किसमें कितना दम था। लेकिन मैं जिस बात पर आपसे बात करने जा रहा हूं वो इससे अलग है। जो मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मंथन और मनन के दौर पर है, और चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव परिणाम के तुरंत बाद, जहां एक तरफ अधिकारियों और कर्मचारियों के पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के संपर्क में थे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आशाओं के अनुरूप परिणाम रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहा नीचे से ऊपर तक, यानी कि सरकार सेंटर की भी, तो फिर वो अगला एक्शन शुरू करेंगे। लेकिन एक एक्शन जो पार्टी के नेताओं पर होना है, वो करने के लिए उनको किसी सरकार की जरूरत नहीं है, उन्हें ज्यादा वेट की नीड भी नहीं है। वो तो जैसे ही सूची तैयार हो जाएगी एक्शन शुरू हो जाएगा। बड़ी चर्चाएं हैं कि कुछ जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, बड़ी चर्चाएं हैं कि जो विधायक हैं या विधायक के कैंडिडेट्स हैं उनको विचार ही नहीं किया जाएगा उनके नाम पर, क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। जो मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी के लिए सबसे जरूरी यही है कि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में फिर उतरना है, फिर जनता के बीच जाना है। और अगर कहीं जंगी घोड़े ना हुए, अस्तबल के घोड़े रह गए तब भी, और दूसरी बात अगर कहीं दगाबाज बीच में रह गए तो फिर दिक्कत होगी। इस सब को देखते हुए पार्टी मंथन के दौर पे है। और मैं आपसे चर्चा करने चला हूं फरीदाबाद लोकसभा को लेकर। आपने देख पड़ा होगा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर भी चला, हिसार लोकसभा, सिरसा लोकसभा, इन दोनों लोकसभाओं के अंदर इवन करनाल और रोहतक के लिए भी पार्टी के कुछ नेताओं, पदाधिकारियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, इसके लोगों पर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वो रेंग रही हैं खबरें, भाई ऐसा कुछ हुआ है। फरीदाबाद में भी क्या कुछ हुआ है? फरीदाबाद के अंदर दोस्तों 2 जिले हैं, फरीदाबाद और पलवल, 2 जिले हैं। फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार वोहरा, राज वोहरा फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष, और पलवल के जिलाध्यक्ष हैं चरण सिंह तेवतिया। दोनों ही नेताओं का पार्टी के विधायकों के साथ 36 का आंकड़ा है, दोनों नेताओं का। पहले मैं आपसे बात करता हूं फरीदाबाद को, और फिर आपसे बात करूंगा पलवल की, और ये बताऊंगा कि क्या ये दोनों जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, क्या लोकसभा चुनाव के बाद में परिणाम जब आ जाएंगे उसके बाद फरीदाबाद का जिलाध्यक्ष राज वोरा और पलवल का जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, ये बदले जा सकते हैं क्या? क्या यहां फरीदाबाद लोकसभा में भी मंथन का दौर चलेगा? चुनाव परिणाम पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, चुनाव परिणाम क्या होगा, कृष्णपाल गुर्जर जीतेंगे या महेंद्र प्रताप बाजी मारेंगे, ये जनता का फैसला, जनता पर छोड़ दिया। हालांकि अनेक वीडियोस में हम आपसे जिक्र कर रहे हैं लोकसभाओं का, फरीदाबाद के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन परिणाम हम किसी का नहीं दे रहे,
क्योंकि हरियाणा का चुनाव अब की बार बड़ी उलझी हुई गुत्थी लग रहा है। खैर, मैं आपसे बात कर रहा हूं फरीदाबाद लोकसभा और इसके अंदर दो जिले पलवल और फरीदाबाद और इनके दोनों के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपसे बात करूं पहले फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष राज बोहरा को लेकर। राजकुमार बोहरा जिलाध्यक्ष हैं फरीदाबाद के। कई वीडियो वायरल हुए उनके, जिसको सोशल मीडिया पर खूब मजे से और खूब उस पर लफाजी लेकर के देखा सुना और चलाया गया। इतना ही नहीं, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स हैं उन पर भी चला। आपको ध्यान होगा राजकुमार बोहरा वाला वो कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में जो वाकया था, मंच पर रैली के मंच पर नायब सिंह सैनी की रैली थी जिसमें कुछ लोग नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे थे, हुक्का था वो स्मृति चिन्ह, हुक्का भेंट कर रहे थे। राजकुमार बोहरा जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहीं आगे आए थे। कृष्णपाल गुर्जर ने उनसे क्या कहा था क्या नहीं कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बहुत बड़ी खबर बन गई थी। असहज हुई थी भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के अंदर। राजकुमार बोहरा अपने घर बैठ गए थे, बाद में मना के लाया गया था उनको, मनाया गया था बाद में। असहज हुई थी भारतीय जनता पार्टी। कुछ नेता थे, कांग्रेस समर्थक थे या जो भी नेता थे, उन्होंने खुद को अपने आप को स्वयंभू पंजाबी नेता बताते हुए अपनी एक वीडियो चलाई थी कि राजकुमार बोहरा के रूप में पंजाबी समाज का अपमान कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ये सब चला था। और मैं जो बता रहा हूँ उससे पार्टी असहज हुई थी। हालांकि राजकुमार बोहरा 3-4 दिन बाद वो कोप भवन में रहे थे और बाद में कोप भवन से निकल करके आए थे, लेकिन पार्टी को तो उससे नुकसान हुआ था, पार्टी को उससे नुकसान हुआ था। जिलाध्यक्ष हैं अगर तो उनको समझना भी चाहिए कि पार्टी की छवि सबसे पहले होती है। खैर, राजकुमार बोहरा का बड़खल की जो विधायक है सीमा त्रिखा, सूबे की जो शिक्षा मंत्री हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उनके साथ भी 36 का आंकड़ा है। कई प्लेटफॉर्म्स पर मैंने अलग अलग जगह सुना कि उनमें 36 का आंकड़ा है। कई जगह जो हमारे सूत्र बताते हैं कि राजकुमार बोहरा सीमा त्रिखा की शिकायत करते भी सुने गए, देखे गए। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि क्या राजकुमार बोहरा के इन क्रियाकलापों से पार्टी को नुकसान हुआ? राजकुमार बोहरा जब जिलाध्यक्ष बने तब भी कहा जा रहा था, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन नहीं है, उनकी पब्लिक डोमेन वाली छवि नहीं थी, लेकिन वो जिलाध्यक्ष बने, पार्टी का संगठन का फैसला होता है, संगठन ने बनाया और उनके जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव फरीदाबाद लोकसभा का, और जिसके अंदर अगर पार्टी असहज होती है तो फिर जिलाध्यक्ष भी कोप का भाजन बन सकते हैं आने वाले दिनों में। जिलाध्यक्ष कोप का भाजन बन सकते हैं, आप ध्यान रखें। राजकुमार बोहरा को भी जिलाध्यक्ष पद से हाथ भी धोना पड़ सकता है। दूसरे जिलाध्यक्ष हैं चरण सिंह तेवतिया पलवल जिले के, रामगढ़ उनका गांव है, होडल विधानसभा क्षेत्र है, नायब सिंह सैनी के चहेते हैं। चरण सिंह तेवतिया को जो दूसरी टर्म जिलाध्यक्ष की मिली उसको लेकर के जो पार्टी की सेकंड लीड के नेता हैं, बड़ी चर्चाएं थी, चरण सिंह तेवतिया के खिलाफ बड़ी लॉबिंग थी। जिले के तीनों विधायक इंटरनल नहीं चाहते थे चरण सिंह तेवतिया को, लेकिन क्योंकि वो नायब सिंह सैनी के बढ़िया कृपा पात्र हैं, नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, कृष्णपाल गुर्जर ने भी चरण सिंह तेवतिया को ही सपोर्ट किया, जिसके चलते उनकी जिलाध्यक्षी बची रह गई। अब एक नजर जरूर जाएगी दोस्तों पलवल जिले का प्रदर्शन कैसा होता है और रामगढ़ के शोले कितने गरजते हैं। रामगढ़ उनका गांव है दोस्तों, होडल विधानसभा क्षेत्र। अगर चरण सिंह तेवतिया के गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वो आशातीत वोट नहीं मिलते, मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले कहा था, आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि नजर रहेगी कि बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के बड़े पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके बूथ की, उनके गांव की स्थिति क्या रहेगी, इस पर नजर रहेगी। और मैं बता रहा हूं कि पलवल के जिलाध्यक्ष हैं चरण सिंह तेवतिया, पलवल जिले के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो फिर जो जिले के तीनों विधायक और फिर पार्टी के कुछ पदाधिकारी जो एक लॉबिंग कर रहे थे चरण सिंह तेवतिया के खिलाफ, तो फिर उनके हाथ में एक मौका आ जाएगा उनके हाथ में।
सबसे पहले तो चरण सिंह तेवतिया के गांव पर नजर रहेगी कि उनके गांव में बीजेपी कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर को कितनी वोट मिलती है, कैसा प्रदर्शन रहता है। अगर वो ठीक ठाक बढ़त हुई तो बोनस मिल जाएगा चरण सिंह तेवतिया को। अगर वहां कोई कमी रह गई तो फिर डिमोशन भी हुआ करती है। उसके बाद में पलवल जिले पर नजर रहेगी, संगठन पर नजर रहेगी, संगठन ने कैसा काम किया। इन सब के लिहाज से मैं जो बता रहा हूं आपको, अगर दोनों कहीं कोई कमी रह गई तो फिर जिले के तीनों विधायकों को, खासकर दीपक मंगला, खासकर पलवल के विधायक दीपक मंगला, उनकी नज़र में बहुत खटकते हैं चरण सिंह तेवतिया। मैं आपको बताऊं कि जब पहला चरण सिंह तेवतिया को टर्म मिला था तब भी दीपक मंगला अपनी किसी चहेते को चाहते थे, बात नहीं बनी थी। दूसरे टर्म पर भी पूरी कोशिश की। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आप समझना उस चीज़ को कि भारतीय जनता पार्टी के जो सेकंड लीड के नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष के पद की दौड़ में पहले भी थे, आगे भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं कहीं ये सुगबुगाहट शुरू कर दी है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद चरण सिंह तेवतिया जी की भी आगे आप समझदार हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी मंथन के दौर में है, क्योंकि 2024 का विधानसभा का रण भी नज़दीक है। आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी में जैसे संदेश आ रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है, जैसे संदेश आ रहे हैं, क्या बड़े लेवल पर कोई बदलाव हो सकते हैं पार्टी के अंदर। और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर, वही सवाल मेरा पुराना, कितनी लोकसभा सीट पर कमल खिल सकता है, जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।